बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। आइए अब जानते हैं प्रदेश की अन्य गतिविधियां। भारतीय क्रिकेट से विवादों का नाता पुराना है, जो बीसीसीआई का पीछा नहीं छोड़ते। ताजा विवाद किसी से छुपा नहीं है, जिसमें यह सामने आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार कल्चर का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर को भी बीसीसीआई में विवाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हटना पड़ा था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस तरह के फैसलों से बीसीसीआई को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जाने से भारत एवं बीसीसीआई को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत से दुनिया भर की क्रिकेट चलती है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत ज्यादा नुकसान देश और क्रिकेट को उठाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त की गई एक कमेटी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उसको देख रही है। ना केवल हजारों करोड़ का नुकसान बीसीसीआई को हुआ, भारत को हुआ, बल्कि भारत के अधिकार जो वोटिंग राइट के थे उसमें भी बड़ी गिरावट आई है। मुझे लगता है उस पर उतनी चर्चा इस देश में हुई नहीं जितना नुकसान बोर्ड को और भारत को हुआ है। इस पर चर्चा और चिंता की आवश्यकता है। दुनिया भर की क्रिकेट भारत के बलबूते पर चलती है। जून के प्रस्तावित मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सेटीनाग मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई। लैंडिंग को लेकर सराजवासी हेलीकॉप्टर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। सराज की समस्त घाटियों का राजा कहलाने वाली घाटी सैटधार में जैसे ही हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई, सराज के कांग्रेसी नेताओं और स्थानीय जनता में खुशी का माहौल बन गया। हेलीकॉप्टर को देखने वो लोग भी पहुंचे जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद हेलीकॉप्टर नजदीक से देखा होगा। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से समूची घाटी राजा साहब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वहीं सैटधार घाटी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में हिमाचल मिल्क फेड के चेयरमैन ठाकुर चेतराम भी प्रशासन व पुलिस के साथ मौजूद रहे। 5 तारीख को सराज विधानसभा क्षेत्र के सैटाधार में देव पूज के लिए जो मुख्यमंत्री का दौरा रखा गया है उसके लिए आज 10:30 बजे उड़ान का ट्रायल किया गया, जो कामयाब रहा। जैसे ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई तो लोगों में राजा साहब के प्रति बहुत खुशी थी, जिसमें कि पूरा क्षेत्र राजा साहब के नारों से गूंजा। राजा वीरभद्र सिंह जी जिंदाबाद के नारों से गूंजा और लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। इस उड़ान को देखने ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की तादाद में स्थानीय लोग खड़े हुए थे, जिनमें बहुत उत्साह है और ऐसा पहली बार हुआ। ऐसे पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर की उड़ान की गई, कई बुजुर्गों ने हेलीकॉप्टर बहुत नज़दीक से नहीं देखा था, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर को अपने क्षेत्र में बैठते हुए देखा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो 5 तारीख को सराज के दौरे के लिए आएंगे, तो उनसे उम्मीद की जा रही है कि ये क्षेत्र टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को चुनेंगे और लोगों की आर्थिकी दशा भी सुधरेगी। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव में राजकुमार नीटू को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। शिमला में हुए चुनाव में नीटू को सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष चुना गया। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव कुलदीप गुप्ता, हिमाचल ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक रमेश चौहान और खेल विभाग के देखरेख में यह चुनाव हुआ। संघ के चुनाव में हरदयलाल भारद्वाज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुलदीप राणा, रमेश चंद, नितेश शर्मा, लखविंदर और गौतम ठाकुर को उपाध्यक्ष, जबकि रतनलाल ठाकुर को संघ का महासचिव चुना गया। इसके अलावा अविनाश चौहान, अखिलेश जंग, विनय नगवाल, अमित ठाकुर और कबीरराज को संयुक्त सचिव और जय चौहान को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ साथ कृष्ण लाल को तकनीकी कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के नव नियुक्त अध्यक्ष राजकुमार नीटू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन भी इस खेल के प्रति सक्रिय हो गई है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन स्कूल लेवल से ही बच्चों की प्रतिभा देखकर आगे लाने का प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा कि राजनीति से खेल को नहीं जोड़ा जाएगा और प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाकर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन किया जाएगा, जिसके लिए प्रैक्टिस मैट की मांग उठाई गई है। जल्द ही कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको देने के लिए भी हामी भर दी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कबड्डी आज पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। हिमाचल के बच्चों ने जिस तरह पूरे देश में नाम हिमाचल का रोशन किया है, और आने वाले समय में मैं ये चाहूँगा कि हिमाचल के बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो। उनके लिए जो हमसे हो पाएगा, दिन रात हम उनके लिए काम करेंगे। और जो उनकी मुख्य मांग जैसी थी कि अभी हमारे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन से जो हमारे ऑब्जर्वर आए थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने ऊपर बात की है, और हमें जो 6.5 लाख रुपए का इन्होंने एक मैट फेडरेशन ने हमारे लिए सेंक्शन किया है, उसके लिए मैं हमारे डॉक्टर मिदुला धुरिया, जो हमारी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सुंदरनगर के पास लगते 4 लेन सड़क टोल के पास एक भारी मशीन खराब हो जाने के कारण लगभग 16 घंटे तक जाम लगा रहा। आपको बता दें कि पिछले कल लगभग शाम 6 बजे एक भारी भरकम हाइड्रा मशीन मंडी से बिलासपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वे मशीन चटोल के पास निर्माणाधीन 4 लेन से गुजर रही थी तो उसके आगे के पहिए खराब होने के कारण दोनों पहिए बीच सड़क पर ही टूट गए। जिस जगह ये हादसा हुआ है उस जगह सड़क तंग होने के कारण दोनों तरफ से जाम लग गया, और इस तरह ये जाम लगभग 15 घंटे तक लगा रहा, जिस कारण लोगों को और मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों को रात सड़क के किनारे बिताने को मजबूर होना पड़ा। रात को प्रशासन की पूरी कोशिश के बाद भी जाम नहीं खुल पाया। अगली सुबह SDM राजीव कुमार और DSP संजीव भाटिया की अगुवाई में 4 लेन निर्माण कार्य कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने JCB की मदद से रोड की कटिंग कर एक तरफ से रास्ते को खुलवाया, तब जाकर लोगों को जाम से निजात मिली। एक हाइड्रा जो कि मेरे चौक से बिलासपुर की तरफ बोहाड़ा के पास मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से 20 सड़क में ही वो खराब हो गया, जिसकी वजह से यातायात को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, परंतु प्रशासन और पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि यातायात को सुचारू किया जाए, और इसके लिए जो है वो एक्सेलरेटर और JCB वगैरह का प्रबंध किया गया है, ताकि रोड को काट के जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। हाइड्रा जो है ये हैवी मशीनरी को लेके मेयर चौक से बिलासपुर की तरफ जाना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल फेलियर की वजह से 20 सड़क में ये खराब हो गया है, तो दोनों तरफ जो है सड़क कंजेस्टेड है, इसकी वजह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत आ रही है, परंतु यहाँ पर हम मैनुअली पूरी पुलिस सुंदरनगर पुलिस और मंडी से पुलिस लगा दी गई है, और हम यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी जो है वो ट्रैफिक जो है बहाल कर रहे हैं। सर कितने घंटे से लगा हो ये? शाम को करीब 9 बजे ये यहाँ पे हाइड्रा जो है वो ख़राब हुआ था, उसी समय से मैं और SDM साहब और बाकी तहसीलदार SHO वगैरह मौके पे मौजूद हैं, और हमें सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर हर संभव प्रयास करते हैं कि जल्दी जो है वो ट्रैफिक। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाटू में 2 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले भवन की आधारशिला रखने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को सार्वजनिक विकासात्मक कार्य में उदारतापूर्ण योगदान देना चाहिए, क्योंकि समाज के प्रत्येक भाग की प्रगति से समुदाय की खुशहाली सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को उदारता एवं ध्वजावाहक होने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाल बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाटू के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले हजारी नंद के उदार पूर्ण कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष में यदा कदम विकासात्मक कार्य किसी भी बात के चलते पूर्ण नहीं हो पाते, उन्होंने लोगों के विकास कार्यों के मामले में एकजुटता के साथ कार्य करने तथा विवादों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए कहा, ताकि इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का समय पूर्वक उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय पाठशालाओं में अत्याधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं तथा कार्य प्रणाली की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बाटू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने
दौरे के दौरान सीमा में कॉलेज भवन, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू के भवन तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण किया। बच्चों का जो स्कूल है, इसको 10 चम्मच स्कूल कर दिया गया है और उसके लिए उपयुक्त था कि नए भवन का निर्माण हो, जहाँ अभी था वो यहाँ वहाँ पर कितनी जगह थी और ना ही इतना बड़ा भवन वहाँ बन सकता था। आज जिन्होंने भूमि का दान दिया है वो प्रशासन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जब तक हम लोग अपने विकास के लिए थोड़ी थोड़ी कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो नहीं करते तो उसे देर पड़ती है, अंतर में बन तो जाएगा, मगर जो काम 5 साल पहले होना था वो 5 साल के बाद होगा। हमको उदारता के साथ अपने इलाके की तरक्की के लिए आगे आना चाहिए और तभी जाके जो तरक्की का। इस मौके पर स्थानीय विधायक मोहनलाल बराक्टा तथा रोहडू कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वरदास चौहारू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।